अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यहाँ कुहू, यहाँ पर है कुहू। राजी बाबू, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ पूछ रहे तुमसे, यहाँ क्या कर रही हो तुम? बताओ ना कुहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो जी, ये आउट हाउस का एरिया है ना? हाँ बेटा। ये आउट हाउस तो टूटा हुआ था ना बुआ जी, लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है जैसे ये फिर से बनाया है इसको। और जी को यहाँ क्या कर रही है? अरे कोई जवाब देगा हमको, क्या सवाल कर रहे हैं हम? हम बताते हैं, ये टूटा हुआ आउट हाउस कुहू ने पूरा किया है। ये पूरा आउट हाउस कुहू ने वापस बनाया? क्यों किया ये, और ये यहाँ कर क्या रही है? क्योंकि ये यहाँ भेजी गई है। भेजी गई? क्या मतलब है बुआ जी के भेजी गई? किसने भेजा इसको यहाँ और क्यों? अरे तुम कुछ बोलोगी नहीं कुहू? बुआ जी, ये क्या करी थी तुम? सुई था ना आपको चुप जाता तो। ए लड़की, बस हो गया, बस बंद करो हमारी फिक्र करना, और जो सवाल कर रहे हैं ना उसका जवाब दो हमको। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? किसने भेजा है? ये रह रहकर बातें क्यों छुपा रही हो हमसे? क्यों झूठ बोल रही हो? हम खुद ही यहाँ। वो अजीब, ये लड़की ना पगला गई है, ये तो कुछ बोलेगी नहीं, ये बस ऐसे ही हकलाते रहेगी। आप जवाब दीजिए हमको, आप बोलिए हमको किसने भेजा इसको यहाँ, बोलिए बुआ जी। देव ने। बाबा ने भेजा इसको? हाँ। क्यों, किस लिए भेजा, बोलिए हमको बुआ जी, किस लिए भेजा इसको यहाँ? कुहू को तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रहने से देव ने मना किया। क्या बात करे बुआ जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी ना हुआ था, सब हम ही बोले थे ना। हाँ हम ही कहे थे बड़का बाबू को कि हमको ना एकदम गांव जैसा बड़का कमरा चाहिए। मुझे एक शब्द नहीं, और हर शब्द में ना हमको झूठ की गंध आ रही है। झूठ मत बोलो को, बता तो सच क्या है। अरे झूठ ही बोलती है ये हमसे, झूठ ही है ये सच कभी नहीं बोलेगी, और खास करके हमसे तो कभी सच नहीं बोलेगी। सब कुछ ना इसको अपने दिल में दबा के रखना है, चाहे फिर वो उसका दुख हो, दर्द हो, डर हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ अंदर ही अंदर रखेगी। इसको लगता है कि हम आंखों से लाचार है तो मन और बुद्धि दोनों से लाचार है ना। वो जी आप ही बताइए हमको, क्या हो रहा है ये सब यहाँ? क्यों भेजा है बाबा ने इसको यहाँ पर, किस लिए? उस दिन सत्यनारायण कथा के बाद कृपा हुई है यजमान, माता का संदेशा आया है, संकेत मिला है ऊपर से, चुनरी पर उनकी सुपारी गिरी है, अति शीघ्र वंशधर आने वाला है। हम निर्वंश रह जाएंगे, लेकिन इस लड़की की कोख से जन्मा इस घर में नहीं आएगा। दिन भर सेवा और रात भर सर्वेंट क्वार्टर में अगली सुबह का इंतजार, यही नियति है तुम्हारी, बोलो मंजूर है? मंजूर है। तुमको राजीव से कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजीव तुम्हारा वाजी कुहू को लेकर घर जाइए। बुआ जी के साथ घर जाओ इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे, जाओ। उस दो कौड़ी की लड़की के चलते ये अनुशासन रह गया मेरे घर में, उसे पूछना या इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझते। कोई भी कहीं भी मुंह उठा के चला जाएगा। अब जो है यही है, देख लीजिए, या तो लगाम कस लीजिए या फिर ये मान लीजिए कि आपका वक्त गुजर चुका है। इस जंगल का ये शेर बूढ़ा हो चुका है।
खुशबू जी, जहाज फूटा है लेकिन डूबा नहीं अभी तक। चलो बेटा अपने घर चलो। बुआ जी, बड़का बाबू, उसकी फिक्र तुम राजीव पे छोड़ दो, है ना वो। चलो, माता का मूर्ति बनाए थे तो लेके आओ ना बेटा। माँ भवानी, सब आपके हाथ में ही है, बस संभाल लीजिएगा सब। जय माता रानी। हमने अपने हाथों से बनाई है बुआ जी। तो सच सामने आ गया है इसके। राजीव जी का मिजाज ठीक नहीं लग रहा है। खून उतरा हुआ है इसकी आंखों में। तो यही लगता है कि यहाँ से भाग जाते हैं। चुपचाप खड़े रहो अपनी जगह पे। देवी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गृह शांति के लिए हवन करना पड़ेगा। इसके लिए परिवार के किसी पुरुष सदस्य को हवन में बैठना पड़ेगा। पंडित जी, कुछ देर रुकिए आप अभी। नहीं दादा, देवी के आने का मुहूर्त टल जाएगा। वैसे तो आप या राजीव दोनों में से कोई एक पूजा में बैठता तो बेहतर होता, मगर मुहूर्त को टालना सही नहीं होगा। हम बैठेंगे। बड़े पापा, हम भी जाते हैं पापा के साथ, पूजा में इनको हमारी जरूरत होगी। ठीक है, जाओ। ठीक है, चलो भूमि। पंडित जी, देवी का आह्वान शुरू करते हैं। ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम ह्रीं सूर्याय स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम सोम सोमाय स्वाहा। राजीव बाबू, क्या कर रहे हैं आप? बुआ जी, रोकिए ना उनको। नहीं बेटा, इस समय राजीव के अंदर ना माँ बोल रही है, न्याय कर रही है, अन्याय का दमन कर रही है। ध्वस्त करो दुर्भावना, दुर्नीति, दुस्साहस के इस प्रतीक को ध्वस्त कर दो बेटा। राजीव बाबू मत कीजिए, रुक जाइए, तभी तो हमने बात माना है, ये परिवार के हित में है और आपको भी ये बात मानना होगा। गुहू, अग्नि के साथ फेरे लेना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है बेटा। पति अगर पत्नी के मर्यादा और मान की सुरक्षा ना कर सके तो ये सात वचन किस काम के हैं बेटा। राजीव जो कर रहा है ना, उसका कर्तव्य है। तुम्हारे प्रति हुए अन्याय का दमन कर रहा है वो, करने दो उसे। नहीं बुआ जी, मत कीजिए राजीव बाबू। नहीं कहूँ, करने दो उसे। इनके अंदर तो साक्षात देवी आ गई है। अब देवी हो या ना हो, लेकिन इस देवी का अवतार जबरदस्त है। हेमा भवानी, दूर रहो।
राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। राजीव की छाया में भी खड़ी दिखाई दी ना तो कहर बरपा होगा तुम दोनों पर। स्कूल से भी राजीव के कमरे की तरफ मत ताकना और चंदेल भवन की छत के नीचे रहने की कल्पना भी मत करना। और अगर इस ईंट गारे से अपनी कुटिया नहीं बना पाई तो समझ लो चंदेल भवन के प्रांगण से बाहर ढकेल दी जाओगी तुम। आपने पूरा घर तोड़ दिया। घर नहीं तोड़ा हमने, एक अहंकारी के अहंकार को तोड़ा। और तुम्हारा घर ये नहीं, तुम्हारा घर वहां है जहां हम कहें। ओम ग्रांग ग्रीम गो सगुरवे स्वाहा। क्यों देव बाबा, ये खेला तो गुड़गोबर हो गया। अब कुहूं का पाव फेरी वापस चंदेल भवन में होगा। नहीं, आज लोग तो चल ही रहा है, मंगल गान तुम गा दो। ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म का सीन चल रहा हो। फिल्म ही तो है, हम खलनायक और वो हीरो हीरोइन। इस घर में वही जो अब हर रोज होता है, तमाशा खेला एक से एक अलबेला। देव बाबा देखिए, देखिए क्या हो रहा है। अरे बेशर्मी है, हमको तो प्यार लगता है। देवी आप पहुंचिए। जय भवानी। जय भवानी। हेरो हेरो माता रानी, लाओ उन्हें हमें दे दो। लाओ कू आप, आपको हमने कहा यहीं रुको। क्या बाबा, अभी थोड़ी देर पहले आपने हमको नसीहत दी कि नवरात्रा है कलेश मत करो, और आप ही शुरू हो गए। ध्यान दीजिएगा बाबा, परिवार वालों के साथ साथ पंडित जी भी है, उनके सामने हम शुरू हो गए ना, पूरे मुजफ्फरपुर में पता चल जाए। ये इतनी मेहनत से जो इज्जत लौटी है ना आपकी, लुट जाएगी। ये सब क्या हो रहा है? दादा और भाभी दरवाजे पे क्यों खड़े? देवदा ने कू को घर से बाहर निकालकर आउट हाउस में रहने के लिए भेज दिया था। आज राजीव कू को ले आया है और उसने आउट हाउस को भी ध्वस्त कर दिया। अब देवदा
इन दोनों का रास्ता रोक कर खड़े हैं। कोई भी रास्ता नहीं रोकेगा दादा का। पहले क्या एक बेटा कम था जो अब दूसरा भी अड़ गया। बेचारे देव बाबू। दादा आप अंदर प्रवेश कीजिए। चलो कु। वाह संजीव दादा, वेरी गुड। ये मजा। देव बाबा, जब आपका नहीं चला तो हम किस खेत के आलू हैं? भाभी आलू नहीं मूली होता है। चुप रहो। पूजा का स्थान नजर वालों से भी तेज चेतना है दादा मैं जी। पूजा स्थान पंडित जी। जी राजीव बाबू। देवी माँ की इस मूर्ति को खुद कुहू ने बनाया है। आज नवरात्रि के पहले दिन चंदेल भवन में इसी मूर्ति की स्थापना होगी। जय भवानी। भवानी कब बात हुई? कू के हाथ की बनाई माता की प्राण प्रतिष्ठा ये कब से मूर्तिकार बन गई? और हमारे यहाँ तो पहले से मूर्ति है ना। तो को मत दादा, कोई भी बात यूं ही नहीं कहते, समझी? पंडित जी देवी माँ की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए आप। आज वाकई में माँ भवानी बड़ी बहू की गोद में आई। आप दोनों पति पत्नी स्वयं माता जी की मूर्ति को इस कास्ट के आसन पर रखिए और ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आप बेटा अपने सर पे पल्लू रख लीजिए। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगदोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभा या मंत्र सुचि पुंडरीकाक्षं प्रणतोम पुंडरीकाक्षं प्रणतोम। क्या तमाशा है, ये क्या नरगल है? तयशुदा मूर्ति के आने से पहले कोई दूसरी मूर्ति ला के रख देगा और हमारा पंडित उसकी स्थापना कर देगा। ये पर्व है या पर्व के अपमान की परंपरा है? ये स्वयं देवी माँ का आदेश है, संदेश है, आज्ञा है उनकी। पंडित जी आप विधि आरंभ रखें। जिनको सम्मिलित होना होगा वो खुद हो जाएंगे। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। बोलो अम्बे माते की जय। जय मां भवानी। कहा तो हम सोचे थे कि आपका पूजा कैसे होगा माँ, शायद सिर्फ कुछ फूलों और फलों से ही हम आपका अर्चना कर पाएंगे, पर आपकी कृपा अपरंपार है माँ। चंदेल भवन के मंदिर में आप स्वयं पधारी हैं, धन्य हैं आप। अब तो तूफान ही आएगा, एक कुहिया तो उड़ेगी, हमको भी ई तूफान मुनिया टोला में पटकेगा। ये महा आयोजन तो संपन्न हो गया माता रानी, पर इसके बाद जो होगा
जाने क्या होगा, क्या ये तूफान के पहले का सन्नाटा है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। आज से माता की प्रतिमा के सामने खंड ज्योति 9 दिन तक जलती रहेगी। इस पूजा में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का वाचन होगा। आग से लाचार पति ने काशी का मान तो रखी लेकिन देव बाबा को नाराज कर दिया, आज तो बम फटेगा। अब आरती शुरू करें। माता रानी की जय। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। सदा सुहागन रहो बड़ी बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो, चंदेल वंश आपसे आगे बढ़े। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय भवानी। जय भवानी पंडित जी। जय जय भवानी। आज माँ भवानी ने चंदेल भवन में नवरात्रि के पहले दिन अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। और आज चंदेल भवन में कोई और भी है जो अपना स्थान ग्रहण करेगा। कुहू जी, कुहू को हम चाहे कुछ भी माने, अपनी दासी, अपनी पत्नी, कुछ भी, लेकिन ये चंदेल भवन की बड़ी बहू है। लेकिन आज से, बल्कि अभी से, कुहू चंदेल भवन में बड़ी बहू का स्थान ग्रहण करती है। सत्य हुई पंडित की आड़ में तुम्हारी मनमानी।